दोस्तों, हाल ही में हरियाणा में हुई हिंसा के बाद में मेवात क्षेत्र का नाम पूरे भारत में चर्चा में आने लगा है और इसी के साथ साथ मेवात में रहने वाले मेवाती मुस्लिम या फिर मेव मुस्लिम समुदाय पर भी चर्चा होने लगी है। इन्हीं मेव मुस्लिमों पर हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेवात और मेवाती मुस्लिमों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना होगा मेरे दोस्तों। मेवाती मुसलमानों के बारे में बात करें तो ये मुसलमान पहले हिंदू राजपूत हुआ करते थे, जो कि राजस्थान, अलवर और भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में इनका वास्तव्य हुआ करता था। मेव मुसलमान क्षत्रिय राजपूत थे और इन लोगों ने 12वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के काल में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था। कहते हैं कि जब फिरोज शाह तुगलक शिकार पर गए थे तो उनके साथ दो भाई कुंवर सोनपाल और कुंवर समरपाल शिकार करते वक्त मौजूद थे। दोनों ही फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सरदार थे। इन दोनों भाइयों ने शिकार के वक्त फिरोज शाह तुगलक पर हुए बाघ के हमले में उसकी जान बचाई थी। इन दोनों की वीरता पर प्रसन्न होकर फिरोज शाह ने इनको खान की उपाधि दी और इनके नाम भी बदल दिए। एक का नाम छज्जू खान और दूसरे का नाम नहर खान। और ये दोनों भाई भी धीरे धीरे इस्लाम की ओर आकर्षित हो गए और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और 1372 में फिरोज शाह तुगलक ने मेवात का हिस्सा नहर खान को दे दिया और यही से मेवात पर इनके परिवार का शासन शुरू हो गया। इस क्षेत्र का आखिरी शासक था हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती ने खानवा के युद्ध में मुगल आक्रांता बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया था, लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई थी और इस युद्ध में हसन खान मेवाती भी मारा गया था। और बाकी मुगल काल में और औरंगजेब के काल में यहाँ काफ़ी मात्रा में धर्मांतर होने लगा। मेव मुस्लिमों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला था और इस सैनिक विद्रोह में कई मेव मुसलमान मारे भी गए थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त भी मेवात में सांप्रदायिक दंगे उफनने लगे थे और इन दंगों में कई मेवाती मुसलमानों की जान भी चली गई थी। उस वक्त जो लोग बच गए थे पाकिस्तान की ओर पलायन करने लगे थे और इसी दौरान मेव मुस्लिमों के नेता यासिन खान ने गांधी जी से मिलकर उनसे कहा कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं। तो गांधी जी ने मेव मुसलमानों को भारत में ही रहने का अनुरोध किया और मेव मुसलमान भारत में ही रह गए। ये लोग मुसलमान तो है लेकिन इनका रहन सहन काफ़ी हिंदुओं से मिलता जुलता है। पर आज़ादी के बाद वक्त बीतता चला गया और मेवात में मुस्लिमों की संख्या बढ़ती ही चली गई। मेवात में अब 80% मुस्लिम आबादी है। ऐतिहासिक पार्श्वभूमि वाला ये जिला अब क्राइम और धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाने लगा है। ये क्षेत्र अब मुस्लिम सांप्रदायिक लोगों का गढ़ बन चुका है और साथ साथ क्राइम का भी गढ़ बन चुका है। इस जिले में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है। से हिंदुओं के पलायन की और जबरन धर्मांतरण की खबरें आते ही रहती है। कुछ सालों पहले इस जगह पे दलितों पर हुए अत्याचार पर जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। इस कमेटी की अगुवाई डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के रिटायर जज ने की थी और 2020 में इस कमेटी की जांच रिपोर्ट सबके सामने आई। रिपोर्ट में कहा गया था कि यहाँ पर दलितों का जबरन धर्मांतर किया जा रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में यहाँ पर होने वाले क्राइम पर भी काफ़ी चिंता जताई गई है। भारत में होने वाले साइबर क्राइम में से 80% साइबर क्राइम मेवात जिले से ही हो रहे हैं। किसी दौर में राजशाही देखने वाला यह जिला आज भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।